स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर दोस्तों, एसबीआई स्टॉक एक मेजर स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट का, और रीसेंट टाइम में उसने करीब 22-23% का रीसेंट पीक से करेक्शन दर्शाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसबीआई शेयर को लॉन्ग टर्म बेसिस पर कैसा नजर आ रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या यो जो करेक्शन हो रहा था ये करेक्शन समाप्ति हो रही है, क्या इसका अंदेशा मिल रहा है, तो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इन संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एसबीआई का शेयर अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है और या हमें भी कुछ इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। पहले एक नजर एसबीआई स्टॉक के वैल्यूएशन के ऊपर में डालते हैं दोस्तों। अगर हम इसे कंपेयर करें करंट ट्रेडिंग प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। 10.2% के डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो वैल्यूएशन के टर्म्स में एक अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। फर्दर अदर पैरामीटर्स पे देखे वैल्यूएशन में, तो इसका पी रेशियो जो है सिर्फ 11.5 है, जो इंडस्ट्री के पी 13.9 से कम है, और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का जो पी है वो 20.1 है। तो पी के टर्म्स में भी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो इसका सिर्फ 0.6 है, तो यहां पर भी ये वैल्यूएशन में अच्छा नजर आ रहा है। पीपी रेशियो के अनुसार दोस्तों थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है, क्योंकि इसका पीबी रेशियो जो है 1.3 है और इंडस्ट्री का पीबी रेशियो 0.9 है। तो वैसे पीबी रेशियो अधिक बहुत नहीं है 1.3, लेकिन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कुछ अधिक नजर आ रहा है। अब दोस्तों, इसके करंट डिविडेंड यील्ड को देखें, तो जैसे हम सोने पे सुहागा बोलते हैं कि अगर हम किसी स्टॉक में निवेश करें और कुछ अगर डिविडेंड भी मिल जावे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसका करंट डिविडेंड यील्ड जो है काफी नोटेबल है, 1.6% है, जो मार्केट के बॉटम 25% स्टॉक्स हैं उनसे मच बेटर है, और मार्केट के जो टॉप 25% डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनके एट पार है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस पे एक नजर डालें तो पिछले 5 साल में इसका एनुअल अर्निंग ग्रोथ जो रहा है वो 55.8% रहा है, जिसने इंडस्ट्री को क्लियर तरीके से आउट परफॉर्म किया है और मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया है। पिछले 1 साल की अर्निंग की बात करें तो इवन 1 साल की अर्निंग भी 57.9% है, जो इंडस्ट्री से बेहतर है और मार्केट से भी बेहतर है। अब दोस्तों, प्रोजेक्शन की बात करते हैं। इसका फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 17% है, जबकि इंडस्ट्री का 7.8% है। तो यहां भी इंडस्ट्री को फ्यूचर में भी आउट परफॉर्म करने की संभावना नजर आ रही है। अब दोस्तों, यहां पर एक नजर फाइनेंशियल्स पे डालते हैं, क्योंकि हम एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इसका असेट लेवल की बात करें तो असेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 16.9 टाइम्स है, तो इसे हम मॉडरेट कैटेगरी की के लिस्ट में डाल सकते हैं, हम इसे लो नहीं बोल सकते हैं। जहां तक एसबीआई का बैड लोन्स के प्रति अलाउंस है वो दोस्तों लो है। जहां तक इसकी लाइबिलिटीज का सवाल है तो वो प्राइमरीली लो रिस्क सोर्सेज ऑफ फंडिंग से है, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। लोन लेवल की बात करें तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लोन्स टू असेट रेशियो को देखें तो 52% है, जो अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा डिपॉजिट की बात करें, लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो 68% है, जो अप्रोप्रिएट नजर आता है। लेकिन दोस्तों, बैड लोन्स जो है वो हाई लेवल ऑफ बैड लोन्स है, विच इज नियरली 4%। तो दोस्तों, अब चलिए स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एसबीआई शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझेंगे और संभावित टारगेट को निकालने की चेष्टा करेंगे।
अब हम रेफर कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर मंथली प्राइस चार्ट पर पहले स्टडी करेंगे दोस्तों और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा संभावनाओं को तलाशेंगे। यहां देखिए दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, तो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है। अब रिसेंट टाइम में इसने फरवरी 2022 में एक लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद इसमें करेक्शन हुआ और इसने एक का रीसेंट लो बनाया मार्च 2022 में, जहां एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और ये फॉर्मेशन करीब करीब इन विसिनिटी ऑफ ईएमए 21 होता हुआ नजर आया। तो ये जो ड्रॉडाउन था रीसेंट टाइम में वो करीब 22.5% का था दोस्तों। अब हम कुछ ड्रॉइंग को सुपर इम्पोज करते हैं और तब एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। यहां देखिए दोस्तों प्राइस ने डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया और इसके अपेक्स का क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट हुआ फरवरी 2021 में और जब रिट्रेसमेंट हुआ तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा अगर ध्यान से देखें तो एसबीआई को पहले भी आपके चैनल में एक रेंज ट्रेडिंग के लिए डिस्कस किया जा चुका है, जो बहुत बड़े रेंज में ये ट्रेड हो रहा था। यहां देखें ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट और इस ट्रेंड लाइन की पैरेलल लाइन को देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन और इसका ब्रेकआउट हुआ मई 2021 में। इसका मतलब जो एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड हो रहा था, एक रेंज बाउंड था और ये राइजिंग चैनल भी फ्लैटिश था, तो इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस में एक्सपांशन का फर्स्ट इंडिकेशन मिला दोस्तों कि आगे वाले आने वाले समय में एक अच्छे रिटर्न की संभावना दिखा रहा है दोस्तों। अब यहां पर देखें कि रीसेंट टाइम में अगर लास्ट इंपल्सिव वेव जो है इसकी हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो देखिए प्राइस रीसेंट टाइम में 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। अब यहां पर देखिए बुलिश पिन बार है और इसके बाद करंट मंथ में भी एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट करता है कि बाइंग इस काउंटर पर आती हुई नजर आ रही है। अब एक ब्रॉड तरीके से इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पर टारगेट निकालने की चेष्टा करते हैं। अगर हम इस डबल बॉटम का जो यहाँ ब्रेकआउट हुआ है इसके आधार पर टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो टारगेट करीब 600 निकल के आ सकता है, आता है, जो करीब 30% राइज है करंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि जब हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइव मार्केट में 17 मई को तो ये 462 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। और अगर अगर मैं यहां पर टारगेट को निकालने की कोशिश करूं, ध्यान से देखिए इस ट्रेंड लाइन को, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन और इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और ये ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, तो ये ट्रेंड लाइन कई तरीके से मददगार साबित हो सकती है। नंबर वन, अगर हम एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू लेते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इमीडिएट टर्म्स में स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में, रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकती है। नंबर टू, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो क्या आपको लेफ्ट शोल्डर नजर आ रहा है, राइट शोल्डर नजर आ रहा है? चलिए मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, उससे आप बेहतर अप्रिशिएट करेंगे। बेहतर है कि हम और दूर से खींचे। ये देखिए प्राइस ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, प्राइस ऊपर गई, हेड का फॉर्मेशन किया और यहां पर देखिए राइट शोल्डर का फॉर्मेशन करके प्राइस में यहां ब्रेकआउट हुआ और थ्रोबैक के समय में प्राइस नेकलाइन पर टेस्ट कर रही है। तो अगर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर हम टारगेट निकालें तो 670 इसका अगला टारगेट आता है। इसका मतलब करीब करंट मार्केट प्राइस से 44-45% का यील्ड नजर आता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट पर ताकि प्राइस एक्शन को हम फर्दर फाइन ट्यून कर सकें। यहाँ पे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड हो रही है, प्राइस का यहाँ रिजेक्शन होता है और इस जोन में बाइंग आती हुई नजर आती है। अगर मैं एक कंसोलिडेशन बैंड को चार्ट पे मार्क करने की कोशिश करूं, ये देखिए ये जो कंसोलिडेशन बैंड है ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, जिसका लोअर फाइबर आप देखें करीब 403-404 पे नजर आता है। इसका मतलब 400 रुपए पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिलहाल प्राइस ट्रेड हो रही है
461-62 पे। इसका मतलब रिस्क बहुत कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा नजर आ रहा है, जो टारगेट हमने अभी चर्चा किए मंथली प्राइस चार्ट पर। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं कि जब ये कंसोलिडेशन हो रहा है या जब रिट्रेसमेंट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब इंपल्स का फॉर्मेशन होता है तो वॉल्यूम सब्सटेंशियली हाई होता है और एवरेज वॉल्यूम से अधिक होता है। इसका मतलब बाइंग साइड में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन अमेजिंग नजर आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब चलिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं ताकि रिसेंट प्राइस एक्शन को समझ सकें। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से प्राइस का सपोर्ट, वंस अगेन प्राइस यहां से सपोर्ट लेके बाइंग आती हुई नजर आ रही है। अगर इस कैंडल को देखें, जो 8 मार्च की कैंडल है, जो एक बुलिश पिन बार है, और वो बुलिश पिन बार एक की डिमांड एरिया से बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको अभी हमने वीकली चार्ट में मार्क किया। तो ये बुलिश पिन बार का जो लो है वो है 425। तो हम बोल सकते हैं 400 से लेकर 425 का जो बैंड है वो डिमांड जोन है। SBI शेयर की हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काफी बेहतरीन स्टॉक नजर आ रहा है। प्राइस का रिजेक्शन ये अभी रेंज बाउंड, काफी बड़े रेंज में ट्रेड हो रहा है, जो करीब 405 से लेकर अपसाइड में रेंज को देखें, ये करीब रेंज निकल के आती है समथिंग अराउंड 543 की। तो दोस्तों ये स्टॉक जो है ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अच्छा नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इसके अलावा टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है। जहां तक डेली चार्ट का सवाल है, अभी भी इसमें ट्रेंड बेरिश है, लेकिन ये रेंज बाउंड है, बहुत ज्यादा डाउन साइड इसमें नजर नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट में अभी भी प्राइस SMA 233 के नीचे ट्रेड हो रही है, लेकिन बार बार ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो वैल्यू जोन है यहां से बाइंग आती है, तो हम इसमें एक ध्यान दें, हमको यहां पर रिस्क को जो भी मैनेज करेंगे, एक गैप जो है वो है 24th May में एक गैप है, और वो गैप है समथिंग अराउंड 400 के आसपास में। तो समथिंग अराउंड 395 अगर हम एक रिस्क को मैनेज करने के लिए इनिशियल स्टॉप लॉस मानेंगे, ताकि उसके आधार पर हम मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग करें और तब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ट्रेंड को राइट करते चले जाएं, क्योंकि टारगेट्स तो सारे नोशनल होते हैं। केवल हम टारगेट्स को इसीलिए असेस करते हैं, क्या हमें फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किस केस में तो मिल रहा है दोस्तों, जो हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में टारगेट निकाला मंथली चार्ट पर दो तरीके से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स का मैं कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।